बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है और बहुत डिटेल बात की है। अब इस डिटेल बात को एक स्पेसिफिक कुछ आप हमको एक्सरसाइज दे दें, थोड़ा सा 5 मिनट के रिव्यू के रूप में, कि हमको अभी ये काम तुरंत बच्चों को और हम फैकल्टी को और इंक्लूडिंग वाइस चांसलर ये करना शुरू कर दें, ऐसी एक 5 मिनट ब्रीफ एक्सरसाइज दे दें। ऐसा है, सबसे पहले मैं वाइस चांसलर शुरू करूंगा कि वाइस चांसलर साहब एक काम शुरू करें कि जो टीचर्स, जिन टीचर्स ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके अद्भुत काम उनसे करा लिया है, यानी कि मान लीजिए उनकी क्लास में 50 बच्चे थे और 50ों बच्चों ने 50 गांव में या 50 एंटरप्राइजेस में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा मैप कर लिया, ऐसे 5 टीचर्स अगर हैं या 10 टीचर हैं, उनके साथ एक चाय पानी या खाना तो बनता है, उनको साथ बुलाकर उनको बिठाया, तो कहाँ पे बताओ था तुमने क्या किया, आपका सुनना उनकी बात का उनके लिए मोटिवेशन, क्योंकि बाई चांस आपसे सबको मिलने का मौका नहीं मिलता है ना, आप इतने बिजी रहते हैं, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए सभी विद्यार्थी सभी टीचर्स को कहाँ मौका मिलता है, ये विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी बहुत कम मौका मिलता है, पूरे क्षेत्रों में आपके कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छे सवाल उठाए या बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए, मुझे लगता है हर हफ्ते ऐसे 5 या 7 बच्चों से तो मिलना ही चाहिए, और इन बच्चों से मिलकर हम उनका मनोबल तो बढ़ाएंगे, हमको भी पता चलेगा कि ऐसे अच्छे मेधावी बच्चे हमारे पास हैं, उनको ट्रैक करना है, उनका एक डेटाबेस, एक सिस्टम बनवा लीजिए आईटी के डिपार्टमेंट के लोगों से, तो भाई इन बच्चों की मुझे खबर देते रहो क्या कर रहे हैं वो, कभी उनकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, जब इतना अच्छा काम किया है उन्होंने तो इनको मेंटर करना है, इनके लिए एक मेंटर लगा दिया, कोई भी टीचर कहेंगे सर मैं इन बच्चों की देखभाल में कर लूंगा, मुझे बहुत लगा अच्छा, तो वो उनके मेंटर बन गए, उनको ध्यान रखेंगे, मतलब जो मेधावी बच्चे हैं, जो मेहनती, जिनकी आंखों में कुछ अच्छा अलग देखने की क्षमता है, करने की क्षमता है, उनको ट्रैक करें, कभी जरूरत पड़े तो मुझे बता सकते हैं, मैं भी उनकी मदद करूंगा, तो ऐसे बच्चों के लिए हम अपने जो कर्तव्य के दायरे हैं उनसे बाहर जाकर उनके लिए जब कुछ करेंगे तो बच्चे आगे जाकर फिर हमारे लिए नाम कमाएंगे और पूरे देश में और दुनिया में हमारे लिए वो अच्छा एक हमारी असेट बन जाएंगे। दूसरी बात है कि जो एक हमने प्लान बनाया है कि सभी विद्यार्थी 20,000 विद्यार्थियों को 4 काम देने हैं। पहला काम है अपने बुजुर्गों का ज्ञान इकट्ठा करें, हर विद्यार्थी एक पेज में, 2 पेज में, एक गूगल शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, गूगल स्प्रेडशीट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 4ों सवाल देकर, और वो बच्चे गूगल शीट में ही एंटर कर दें, आजकल तो सब इतना बच्चा जानते ही हैं, तो वो गूगल ड्राइव पर जाकर उसी शीट में सभी बच्चे एंटर करते जाएं, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि वो ईमेल कर दें, जो भी आपको सही लगे, जो भी उपयुक्त लगे वो तरीका अपना लें, और सभी बच्चे जो दादा दादी से सीखा है उन्होंने, किसी भी तरह का समाधान, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो उनके ज़माने में था या आज भी है वर्तमान, वो लिख डालें, और उसको लिख डालें, उसको किसी भी विषय का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग का ही होगा, किसी भी विषय का हो, मकसद है बुजुर्गों से सीखने की के संस्कार को प्रबल करना, और उस संस्कार से फिर आगे हम कहेंगे ये लोग अपने कम शिक्षा से, कम साधनों से अपनी समस्याओं को हल करते थे, मैं क्यों नहीं कर सकता, बस ये भावना पैदा करनी है उनके अंदर कि भाई हमें वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारी संपत्ति है, आने वाली पीढ़ी के जायदाद है, वो ज्ञान को बिखरने नहीं देना है, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाते रखना। दूसरी बात थी, दूसरा सवाल दिया था कि भाई आपके आसपास जिसने कुछ नया किया है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है, व्यक्ति या गांव, कोई मर्यादा है, किसी का गांव का जंगल और बहुत अच्छा है, किसी गांव का औरन बहुत अच्छा है, किसी गांव का तालाब बहुत अच्छा है, किसी गांव का जो चारागाह है वो बहुत बढ़िया है, उसमें कहीं भी उसमें चारागाह के अंदर लोग बहुत अच्छे नियमों के साथ पालन कर रहे हैं और चरा रहे हैं जानवर, तो ऐसी जो सामुदायिक संपत्ति है या कोई अच्छा किसी ने प्रयोग किया है उनका हम आकलन कर लेंगे, तीसरा किसी ने कोई इनोवेटर को ढूंढा है उस इनोवेटर के बारे में लिख लेंगे, चौथा उनके पास कोई ऐसा साधन है उनके गांव में जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है आज, कोई पौधा है, कोई मिट्टी है, कोई पत्थर है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, बहुत पड़ा है उनके पास, सर क्या करें इसका, अच्छा भाई भेजो हम उसका एनालिसिस करते हैं, अपनी लैब में पता करते हैं क्या हो सकता है, इससे कुछ निकल सकता है, कुछ बन सकता है क्या, शोध करेंगे इसके ऊपर, रिसर्च करेंगे, और लास्ट में था कि अगर बच्चों के पास खुद कुछ आइडियाज है जिन पर वो काम करना चाहते हैं वो लिख दें, ये 5 चीजें हैं, 4-5 चीजें जिसमें बच्चे अगर स्प्रेडशीट में भर देंगे तो हमको उसका आइडिया मिल जाएगा, हमारी टीम आपका सहयोग करेगी उसको शॉर्टलिस्ट करने में, प्रायोरिटाइज करने में, उनको इनाम भी देंगे बच्चों को, हनी भी मैगजीन है उसमें छाप भी देंगे उनके कुछ स्टोरीज को उनके फोटो के साथ में, उनके मेंटर के साथ में, वो काम करें, और जहाँ पर बच्चों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा उस काम को करने के लिए तो वो सपोर्ट भी उनके लिए आयोजित करेंगे, कोई तो बड़ा काम नहीं है, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कहेंगे या कुछ है,
अपने आसपास जो मतलब जो संपन्न लोग होते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, CSR के अंदर कंपनी से भी मांग सकते हैं कि भाई हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बीकानेर के जो भुजिया वाले हैं उनसे भी कहेंगे कि थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी में आप थोड़ा फंड बनाओ इन बच्चों के आइडियाज पे लगाने का। फूड प्रोसेसिंग में वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, उनका फील्ड है तो फूड प्रोसेसिंग में कोई अच्छे आइडियाज आते हैं। अब सिंगरी की सब्जी को न्यूयॉर्क भेजना है, कैसा पैकेजिंग बनाए उसके लिए कि न्यूयॉर्क में राजस्थानी बैठा हुआ ऑर्डर करेगा ऑनलाइन और वो यहाँ से कोई बहन बनाएगी उसको पैकेज करके वहां पर भेज देंगे हम बाई कोरियर, तो क्यों नहीं कर सकते ये काम। हर बहन हमारी एंटरप्रेन्योर बन सकती है अगर हम उसकी सप्लाई चेन बना देंगे। तो ऐसी कंपनियों से भी आप बात करें, उनको भी बुलाइए एक बार, एक मीटिंग करिए उनके साथ में, जो वेल टू डू ऐसे अच्छे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल या हाई नेटवर्क कंपनीज हैं कि भाई आप थोड़ा CSR में योगदान दीजिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप एक इंक्यूबेटर बना देंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं CSR के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो CSR में कंट्रीब्यूशन लीजिए और उससे थोड़ा फंड बना लीजिए, कहीं कोई मेरी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, मैं भी उनसे बात कर लूंगा। लेकिन ये फंड बनाना जरूरी है बच्चों के आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए कहीं कई जगह पर। और अंत में कहूंगा कि जो महिलाओं की दिक्कतें हैं, ग्रामीण महिलाओं की या शहरी महिलाओं की, उनके लिए एक अलग विशेष टीम बनाइए ताकि उनका सबका वो आकलन कर ले, लिस्ट बना ले, समयबद्ध सीमा में उनकी दिक्कतों को हल करने के लिए कार्यक्रम बन जाए। कि जिससे हम जो देखिए क्या होता है, प्रोजेक्ट देते हैं हम स्टूडेंट्स को अलग अलग विषयों के अंदर 4 साल में, और वो प्रोजेक्ट कई बार जमीन से कोई उसका ताना नाता नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है, बस वैसे ही थियोरेटिकल प्रोजेक्ट होते हैं वो। तो अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्लास में लाया जाए और उनके ऊपर प्रोजेक्ट करवाया जाए हर विषय के अंदर, तो एक बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। और ये काम के लिए जो टीचर अच्छा काम करें उनको आप प्रोत्साहित करें, जो टीचर, और हर एक टीचर को बोलिए कि एक वेबसाइट बना लीजिए जहाँ पर जो प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं अपनी क्लास में वो अपलोड कर दें। एक छोटी सी बात है, आप अपना शुरू करिएगा इस काम को, अपलोड टू डाउनलोड रेशो। आजकल डाउनलोड बहुत हो रहा है, कितने मेगाबाइट डाउनलोड कर लिए, कितने वीडियो डाउनलोड कर लिए, कितना गाने डाउनलोड कर लिए, कितनी फिल्में डाउनलोड कर ली, अपलोड नहीं कर रहे हैं लोग। तो हर एक टीचर को प्रोत्साहित करिए कि अपने अपने ब्लॉग बनाए, हर एक टीचर का ब्लॉग हो जिसमें यूनिवर्सिटी का भी उसको लिंक कर दिया जाए यूनिवर्सिटी के ब्लॉग से, और वो जो पढ़ाने में उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, जो नए समस्याएं लाए हैं समाज से, उनको अपलोड कर दें। तो उन अपलोड करके और को टीचर पढ़ेंगे, उनको रहेगा ये तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम दिया है भाई, चलो मैं भी अपने स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम दे देता हूँ। तो मतलब एक प्रॉब्लम ढूंढी, एक टीचर ने काम कर रहे हैं उसके ऊपर 50 टीचर्स के बच्चे, बल्कि अब देश के अलग कोनों में भी काम हो रहा है उसके ऊपर, कितनी अच्छी बात है। अब IIT रुड़की के लोग अगर बीकानेर में काम कर सकते हैं तो फिर क्या मतलब हुआ इसका। अब वो अगर डेटाबेस में हमने अपलोड नहीं किया तो हमें कैसे मालूम पड़ता बीकानेर के सिर्फ 7 ही प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा ये है, डेटाबेस बनाए हम, ये 6 सवा 5 5 जो काम दिए हैं बच्चों को, इनका सबका डेटाबेस बनेगा। और ये डेटाबेस में हम देख लेंगे जो यूनिक है उसको पेटेंट करवाएंगे, जो जनरल है उसको डेटाबेस में डाल देंगे, और ये काम हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि आप जिस तरह की रुचि ले रहे हैं मुझे बहुत उम्मीद है काफी कुछ होगा। थैंक यू सर। और सर मुझे लगता है ये सही समय भी है, क्योंकि अभी जो गांव से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए थे वो वापस सभी अपने गांव में हैं लगभग स्टूडेंट, और अब ग्रास रूट से जुड़ करके बिल्कुल, और ये सारे प्रोजेक्ट पे अच्छी तरीके से परंपरा से जुड़ करके नई समस्याएं और समाधान को उजागर कर सकते हैं वो। बढ़िया काम हो जाएगा उनके पास, अभी घर काम दे दीजिए, घर पे बैठ के काम करने का ये तुरंत दे दीजिएगा जी सर।